हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सत्यम मौर्य और आप सभी का स्वागत है सम्राट की आवाज में, हर सच पर आपका हक। तो दोस्तों, जैसा कि थंबनेल देख के आप भी समझ गए होंगे, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आधार इनेबल सिस्टम या फिर APS के माध्यम से ट्रांजेक्शन फेल होने की संभावनाएं क्यों बढ़ गई हैं और क्या रीजन है कि ऐसा ट्रांजेक्शन फेल हो जाता है। और आपने वीडियो नहीं देखी होगी तो मेरे चैनल पर जाकर नीचे वीडियो पे आप देख सकते हैं, तो शायद आपकी प्रॉब्लम सोल्यूशन मिल जाए। और सोल्यूशन नहीं मिलता है तो इस वीडियो को पूरा देखें, जिसमें मैंने बताया था कि ट्रांजेक्शन फेल होने की वजह क्या होती है। इसमें मैं बताऊंगा कि ट्रांजेक्शन फेल होने के बाद APS आधार UPI किसी भी माध्यम से अगर ट्रांजेक्शन फेल हो जाता है तो उसके लिए क्या है 5 तरीके, इसके बारे में आज बात करने वाले हैं, जिससे आप पैसे अपने वापस मंगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि आप लोगों का साथ ही हमारे चैनल को और हमें मोटिवेशन देता है कि जिस पे मैं दूसरों की समस्याओं का समाधान लेके आ सकता हूँ, उस पर रिसर्च करके, और आपकी जानकारी जो आपके पास समय नहीं है उस जानकारी को भी हम ढूंढ कर आपके लिए ला सकें। तो दोस्तों, ऐसा करने के लिए आपको हमारा मोटिवेशन में रहना बहुत जरूरी है। इसके लिए आपको बस करना कुछ नहीं, आपको हमारे और मेरे वीडियो जो पहली बार आए हैं तो मेरे वीडियो को देखें, समझें और पसंद आए तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपका अपना साथ बनाए रखें। इस वीडियो में मैं लाइक कम रखता हूँ 200 लाइक्स का, तो दोस्तों लाइक जरूर करें अगर मेरे वीडियो पसंद आए और मुझे मोटिवेशन मिलेगा तो मैं और भी बेहतर से बेहतर वीडियो और आपकी समस्याओं का समाधान लेकर आता रहूँगा। तो दोस्तों, मैं 5 माध्यम बताने वाला हूँ। पहला माध्यम यह है आधार UPI ATM, जो भी पैसा आप किसी माध्यम से अगर आप डेबिट करने जा रहे हैं, आपके खाते से डेबिट हो गया है और आपको पैसा नहीं मिल पाया, खाते से कट गया, तो पहला फर्स्ट तरीका होता है कि आपको शांत रहना है, 2 से 3 दिन का इंतजार करना है, जो कि बैंकिंग वर्किंग डे में 2 से 3 दिन के अंदर अगर कोई बैंक के तरफ से या फिर उनके सर्वर से इशू की वजह से कुछ भी आपके खाते से UPI ट्रांजेक्शन, ATM ट्रांजेक्शन या फिर आधार इनेबल सिस्टम के दौरान पैसे का फंस जाना एक बहुत ही नॉर्मल या फिर सुचारू व्यवस्था का एक हिस्सा है, जिसमें ऐसी गलतियाँ कभी कभी या बैंक सर्वर इशू की वजह से हो जाते हैं, जिसमें कोई बहुत ज़्यादा पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, आपको थोड़ा सब्र रखना पड़ता है, पैसे आपके खाते में वापस आ जाते हैं। और दूसरा तरीका, और उसके बाद भी आपके खाते में पैसे नहीं आए तो उसके लिए आपको सिंपली करना क्या होता है कि जो भी ट्रांजेक्शन डेट है, ट्रांजेक्शन स्लिप है, उसके दौरान और जिस भी माध्यम से आपने पैसा अपने UPI माध्यम से किया है तो आप कस्टमर केयर से, एयरटेल से किया है, अरे ATM से किया है, UPI से किया है, आधार नंबर से किया है, तीनों के माध्यम से अगर आपने कोई ट्रांजेक्शन किया और ट्रांजेक्शन फेल हो गया तो उसके लिए आपको सेकंड ऑप्शन ये करना है कि आपको कस्टमर केयर को कॉल करके, अपने बैंक कस्टमर केयर कॉल करके आप ATM UPI ट्रांजेक्शन या फिर आधार इनेबल से आपका पैसा फंसा है तो उसका जानकारी या कंप्लेन रजिस्टर दर्ज कराएंगे, जिसमें आपको कंप्लेन नंबर भी दिया जाता है और आपको एक समय सीमा दी जाती है कि 7 से 5 से 6 से 45 दिनों तक का टाइम दिया जाता है, जिसमें आपका अमाउंट जो भी आपके खाते से डेबिट हुआ है आपको रिफंड कर दिया जाता है। ये रहा दूसरा तरीका। तीसरा तरीका, उसके बावजूद भी आपका वो काम नहीं हो रहा है तो एक तीसरा माध्यम होता है जिसमें आप अपने ट्रांजेक्शन डेट, ट्रांजेक्शन स्लिप या फिर इसकी शॉर्ट का निकाल कर और एक बैंक की साइट्स, जिस बैंक के आप काम करते हैं या फिर जिस बैंक से आपका अकाउंट है जिसमें डेबिट हुआ, तो उस बैंक का एक ईमेल एड्रेस होता है जो कि आप उस वेबसाइट, उसके पासबुक या फिर उसके, अगर आप उसका बैंक का एम पासबुक या फिर कोई ऐप यूज करते हैं तो उसमें आपको कॉन्टैक्ट सपोर्ट या फिर ईमेल आईडी मिल जाएगी, जिस पे आपको अपने ट्रांजेक्शन डेट, स्लिप और टाइमिंग डेट डाल के आप उनको अपनी जानकारी मेल कर सकते हैं, जिसमें मेल का रिप्लाई क्विकली किया जाता है जो कि 24 घंटे में आपके समस्या का हल निकालने की कोशिश की जाती है। अगर आपकी समस्या सही रही और आपके एंड से कोई गलती नहीं हुई है, आप अपनी जब सही है तो बैंक मदद से पूरी जाँच करके आपके खाते में अमाउंट रिफंड कराता है। ये हुआ तीसरा मामला। चौथे रास्ते में यह है कि अगर उसके दौरान भी आपका कुछ नहीं हो पा रहा है तो आप अपने ट्रांजेक्शन डेट, स्लिप या अमाउंट जिसके माध्यम से आपका अमाउंट कटा है उसकी पूरी डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए, जिसे आप साबित कर सकें कि हाँ हमारे साथ कोई दिक्कत हुई है, आप दिक्कत का सामना कर रहे हैं या फिर आप परेशानी में हैं, तो उस दिक्कत के लिए आप अपने ब्रांच पे, हेड ब्रांच पे जाएंगे और एक एप्लीकेशन लिखेंगे पूरे डेट, टाइम और समय के साथ, और वो एप्लीकेशन अपने बैंक हेड या फिर ब्रांच हेड या प्रबंधक, शाखा प्रबंधक को आप सबमिट करेंगे, जिसपे जो भी उचित कार्रवाई होगी बैंक द्वारा अगर आपके साथ कुछ भी डिजिटल या फिर कैश के तौर पे आप परेशानी से मुहैया करा रहे हैं तो अपनी समस्या उनके साथ शेयर करें तो आपके साथ पूरी तरीके से समस्या का समाधान वो निकाल के देंगे। ये वो चौथा मामला। अगर इनके बाद भी आपके साथ, मतलब आपका 45 दिन हो गए कंप्लेन किए, उसके बाद भी पैसे आपके नहीं आते हैं तो उसके बाद आपके पास है जागो ग्राहक जागो, जिसमें आप अपने साइट पर कंप्लेन कर सकते हैं, जिसके नंबर्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जब आप 45 दिनों तक, देखिए इसका इस्तेमाल तुरंत नहीं किया जाता है क्योंकि बैंक को भी अपने सर्वर इंड से वर्किंग करके किस माध्यम से, क्योंकि UPI ट्रांजेक्शन किए हैं
तो UID, UPI, फिर मोबाइल नंबर, फिर कौन सा सिम, कौन सा वो सबसे सारी जांच करने के बाद ही आपके खाते में पैसे रिफंड किए जाते हैं, तो उसके लिए थोड़ा उसको समय भी लगता है। तो अगर 45 दिनों के अंदर तक आपका पैसा नहीं आता है, 45 से 60 दिन हो गए हैं और कोई भी बैंक से जानकारी नहीं मिल पा रही है, तो आप कंज्यूमर को या फिर जागो ग्राहक जागो ऐप पे आप कंप्लेंट कर सकते हैं, जिसका डैशबोर्ड आपको मेरे नीचे दिख रहा होगा। अगर नहीं दिख रहा तो मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके या फिर मुझसे कमेंट करके उसका नंबर ले सकते हैं, जिस पर आप कंप्लेंट करेंगे और आप बताएंगे, पूरी सूचना आप उनको देंगे कि मैंने, लेकिन आपको तीनों तरह से आपको संपन्न होना पड़ेगा। कहने का मतलब यह है कि ये जानकारी पूरी तरह से बैंक हेड को पता होनी चाहिए कि आपने वहाँ पे कंप्लेन किया था लेकिन सुनवाई नहीं हुई। कस्टमर केयर का कंप्लेन नंबर भी आपके पास होना चाहिए कि आपने कस्टमर केयर को कंप्लेन किया था, समय दिया गया था, लेकिन उस समय के दौरान आपकी मतलब आपका पैसा रिफंड नहीं हुआ, और आपके पास रिफंड ट्रांजेक्शन फेल या फिर किसी तरह का स्टेटस भी होना चाहिए, या फिर तीनों इंडिस आपने कहा और उसके बाद भी आपका काम नहीं हुआ, तब आप ग्राहक जाओ केंद्र से कस्टमर केयर सपोर्ट करेंगे। तो वो आपके बैंक से नहीं होते हैं ना किसी और से, वो कंज्यूमर कोर्ट की तरफ से, जैसे आप कस्टमर सपोर्ट तरह से आपके लिए वो लड़ेंगे, तो आपकी समस्या अगर नहीं सुनी जाती है तो उनकी बात 24 घंटे के अंदर आपको रिप्लाई मिलता है कि आपके साथ क्या क्या हुआ है। वहां से आपको 101% गारंटी है कि आपका आपके साथ कुछ गलत हुआ है और आपकी गलती उसमें नहीं है। ये बात ध्यान रखिएगा, अगर आपने गलती की है और आप गलती से चलाकी से उसके साथ कुछ गेम खेलना चाहते हैं तो आप वहीं रुक जाइए, ये गेम आपके लिए नहीं बना है, ठीक। लेकिन अगर आपके साथ गलती से नहीं और आप गलती से आपके साथ कुछ हुआ है तो वो ग्राहक जागो वाले आपकी पूरी मदद करते हैं और आपका पैसा आपके खाते में वापस आ ही जाता है। तो दोस्तों, अगर ये है 5 तरीके जिससे आप किसी माध्यम से आपके खाते में पैसा फेल हो गया है, ट्रांसफर फेल हो गया और आपका कोई सुनवाई नहीं हो रही है, तो इन 5 तरीकों से आपके पैसे वापस आ जाएंगे। और इस 5 तरीके के बाद भी आपका पैसा नहीं आता है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके मेरे ईमेल आईडी पे अपनी समस्या मेल करके, और आपने कोई ऐसी समस्या का सामना किया हो और उससे बाहर निकल गए हो, कैसे निकल गए, तो अपनी कहानी भी मुझे मेल या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। अपनी वीडियो बनाने के लिए मैं उसके काम में लूंगा, और आप चाहते हैं तो। दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आई हो और ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं लाइक कम रखता हूँ इस वीडियो के लिए 200। दोस्तों प्लीज़ लाइक करें, अपना सपोर्ट हमारे लिए बनाए रखें। बस आज की वीडियो में इतना ही।